subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के बीच लेकर के आए हैं बंधु एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, जो कि वॉल्यूम 15 में होगा। तो यह वॉल्यूम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है बंधु, इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारे सवाल आप आसानी से बना सके। और जो भाई बंधु हमारे से नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ सभी भाई बंधु लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए बंधु। उसके बाद हम सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज का सवाल जो रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं, आप उसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलते हैं बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है। तो चलिए बंधु देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर एक रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और ये पूछा गया प्रश्न है, पिछले साल एग्जाम में पूछा था बंधु एसएससी जीडी में। तो आप इसको समझिएगा और देखिएगा किस प्रकार आप इसको बनाते हैं। तो बंधु अब देखिएगा, एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो मान लीजिए बंधु किसी आम का जो दाम है वो कितना है बंधु, 100 है। अगर 25% लाभ पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो बंधु कितना बेचते हैं, 125 में बेचते हैं। और 50% लाभ पर बेचते हैं तो कितना बेचते हैं बंधु, 150 में बेचते हैं, यदि आपका क्रय मूल्य क्या हो, 100 हो। तो देखिएगा कह रहा है कि आम बेचने पर 25% का लाभ होता है, एक निश्चित मूल्य पर अगर आम बेच रहे तो 25% का लाभ होता है। बंधु अगर सीपी हमारा 100 है और आम को बेचेंगे 25% लाभ पर तो कितना बेचेंगे आप, 125 में बेचेंगे। आगे चल के कहता बंधु, यदि वो प्रत्येक आम पर एक रुपया अधिक वसूले, यानी इनसे एक रुपया बंधु अधिक वसूले, तो कहता है कि उसे 50% का लाभ होता है। बंधु पहले 25% का लाभ हो रहा था, जैसे एक रुपया अधिक वसूलना प्रति आम चालू किया तो बंधु उसको 50% लाभ होने लगा, यानी वो आम कितना बेचने लगा बंधु, 150 में बेचने लगा। क्लियर है? पहले 25% का लाभ कमा रहे थे, एक रुपया अधिक वसूलने लगे तो 50% का लाभ होने लगा, यानी अगर सीपी 100 है अब 50% का लाभ कमा रहे, कितना बेचेंगे बंधु, 150 में बेचेंगे। अब देखिएगा यही एक रुपया अधिक होना कितने का अंतर बंधु, 150 और 125 का 25 का अंतर, 25 बराबर कितना बंधु, 1। कहता है प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, तो बंधु प्रारंभ में आम की कीमत हमारी कितनी थी, यानी कितना पर बेच रहे थे बंधु, यानी क्रय मूल्य नहीं कर रहा है, कह रहा है प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी। इसका मतलब पहले जो बेच रहे थे हम 25% लाभ पर बेच रहे थे, यानी 125 में बेच रहे थे बंधु, तो प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, 125 थी। तो 125 बराबर निकालिएगा 1/25 गुना 125, 25 पंचे 125, तो कितना हुआ बंधु, 5 रुपया, यानी प्रारंभ में जो आम की कीमत थी वो 5 रुपया थी। अगर बंधु क्रय मूल्य पूछता तो डायरेक्ट लिखा रहता यहाँ पे कि आम का क्रय मूल्य कितना है, तो आप 100 बराबर निकालते, लेकिन कह रहा है यहाँ पे प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, तो प्रारंभ में आम की कीमत 125 थी, और जैसे 1 रुपया अधिक वसूले तो क्या हो गया बंधु, 150 हो गया। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु दूसरा भी प्रश्न जो है लाभ हानि से है, ये भी प्रश्न पूछा गया बंधु, और इस प्रकार प्रश्न हम पिछले वॉल्यूम में प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ा चुके हैं एसएससी जीडी के क्लास में ही बंधु, लेकिन जब यहाँ सवाल आ गया तो इसको आप डायरेक्टली इसके बारे में कैसे सोच के बना सकते हैं कि प्रॉपर्टीज आपको याद है कि नहीं, बंधु ध्यान दीजिएगा, आप इनको आसानी से बना लेंगे। सवाल कहता है एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो बंधु अगर आप हमारा जीडी का लगातार वॉल्यूम देखे होंगे तो इस तरह के सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन जब हम बता रहे थे बंधु ये सेट में जो प्रीवियस ईयर का था, जो इसमें पूछा गया था, यहाँ भी सवाल था, तो हम बता दें फिर कि जो भूल गए बंधु, जिनको याद नहीं है, जो क्लास नए नए जुड़े हैं, वो इसको समझ सके और बना सके। तो ध्यान दीजिएगा
पहला सवाल क्या कहता है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो बंधु एक हमारा क्या है, अंकित मूल्य है, ध्यान देना है, हमारा क्या है, अंकित मूल्य है, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से बंधु, लागत मूल्य अगर 100 है तो 20% अधिक अंकित करेगा, तो बंधु कितना अंकित करेगा, 120 करेगा, क्लियर है। आगे चल के कहता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, तो अपने ग्राहक को बंधु 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितना में, यानी एसपी, यहाँ पे हम निकलते हैं बेचा बंधु, तो एसपी यानी कि जब भी छूट की बात होता है हमारे मित्र बंधु को अंकित मूल्य और एसपी के बीच होता है, यानी फिक्स प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच होता है, और जब भी लाभ और हानि होता है बंधु वो सेलिंग प्राइस और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी के बीच होता है, क्लियर है। तो कहता है बंधु कि अगर अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, अगर 10% की छूट देगा बंधु कितना बेचेगा, 120 अंकित मूल्य है, 10% छूट देगा तो 90 में बेचेगा, 90 बटे बंधु 100, ये 00 कैंसिल, बर्नमा टोटल से 108, कितना में बेच रहा है बंधु 10% की छूट पर, 108 में बेच रहा है। तो कहता उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो बंधु लागत मूल्य कितना, 100, बेच कितना में रहा 108 में, 100 से कितना अधिक है हमारे मित्र बंधु, तो 8 अधिक है, इसलिए कितना परसेंट लाभ होगा बंधु, 8% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे है, चौथा में है, क्लियर हो गया मित्र बंधु। एक बार फिर पुनः समझिएगा, कहता है कि अंकित मूल लागत मूल से 20% अधिक अंकित करता है, अगर लागत मूल 100 है बंधु, अंकित मूल हो जाएंगे 120, कहता है इस पर 10% छूट पर बेचता है या छूट पर देखिए देता है, या लिखा हुआ अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, और 10% छूट देगा बंधु कितना में बेचेंगे, तो 120 का 10% छूट देना 90 में बेचेंगे, 90 बटे 100 तो बरनामा टोटल से 108 में बेचेंगे। आप ही बताइए बंधु, जब लागत मूल्य 100 हो और 108 में आप बेच रहे 10% की छूट पर, तो भी आपको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है बंधु, 8% का लाभ हो रहा है। 8% का लाभ इसलिए हो रहा है कि 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला भी जो प्रश्न है ये लाभ हानि से, और ये भी पूछा गया प्रश्न है बंधु, ये भी पिछले साल के एग्जाम में पूछा था, तो इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद 3 रुपया आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या थी। ऑप्शन आपका 4 दिया है बंधु, कोई ना कोई एक आंसर तो आपका होगा ही होगा, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मूल लागत कुछ भी मान सकते हैं बंधु, एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए, मूल लागत मान लीजिए कितना है, 1 रुपया है। तो बंधु यहाँ पे दो अनुक्रमिक कटौती का मतलब हुआ कि दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है, एक 20% और दूसरा क्या है, 25%, कटौती मतलब छूट, क्लियर है बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि मूल लागत हमारा कितना एक्स है, अगर पहले 20% कटौती करेंगे बंधु कितना देंगे, 80 यानी 80 बटे 100, फिर दूसरा है 25% को कितना बंधु, 75 बटे 100, क्लियर है। ये दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद कितना आते हैं बंधु, 3 रुपया आते हैं, पी लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब कटा सकते हैं बंधु, 25 × 75 = 25 × 100, इधर से कटा लेंगे 20 × 80 = 20 × 25 = 100। बंधु ध्यान दीजिएगा, x का मान निकालना है क्योंकि वस्तु की मूल लागत क्या थी, और मूल लागत हम x माने हैं, इसलिए x बराबर लिखेंगे 5p बटे बंधु क्या है, यहाँ पे 3 है तो 3 नीचे आ जाएंगे, यानी 5p/3, और 5p/3 आप देख रहे हैं हमारे मित्र बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे है, पहला नंबर ऑप्शन पे है, क्लियर है बंधु। किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को बंधु दिक्कत होगा तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो बंधु अगला जो सवाल हमारा है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से, वो भी प्रेम से बंधु, देखिएगा किस प्रकार से सवाल है और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। लोहे से बने एक ठोस संप्रिज में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है एवं इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लोहे की एक घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन कितना होगा। तो बंधु यहाँ पे एक घन सेंटीमीटर यानी 1 cm³ बराबर 7 ग्राम दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब आने का मतलब है कि आयतन, आयतन निकलेगा तभी वजन निकलेगा बंधु, तब उनको ग्राम के साथ हम तुलना कर लेंगे। तो आखिर बंधु ये प्रिज्म का जब सवाल है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान विधि से बता देंगे बंधु। ऐसे भी हमने अपने यूट्यूब पर एक
प्रिज्म का क्लास है बंधु, वहाँ से आप प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। प्रिज्म का वॉल्यूम वन जरूर देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ भी देखिएगा पता चल जाएंगे बंधु। प्रिज्म हम किसी को रटाते नहीं, क्योंकि हम उनको बेलन से तुलना करते हैं बंधु। बेलन आप सब पढ़े रहते हैं, टेंथ में भी पढ़े रहते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो बंधु जैसे हम बेलन की ओर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बेलन में आधार उसका क्या होता है बंधु, वृत्ताकार होता है, ये फिक्स रहता है। जितना त्रिज्या बंधु आर इधर होता है उतना ही त्रिज्या इधर रहता है। यहाँ 10 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर का रहेंगे। कहेंगे कि आधार और शीर्ष इसका समान होता है, लेकिन इसका जो है फिक्स रहता है कि आधार उसका वृत्ताकार, शीर्ष भी उसका क्या होता है वृत्ताकार होता है, और एक ऊंचाई एच के साथ इसको सूचित कर देते हैं बंधु हाइट। क्लियर है? तो इसी से हम प्रिज्म लेकर के चलेंगे बंधु। देखिएगा प्रिज्म को कैसे कहेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज बंधु, तो त्रिभुज के अनुसार लेके चल रहे हैं, ध्यान देना है। आप सब भी समझ लेंगे इसको और कभी मिस्टेक नहीं होगा मित्र बंधु। तो देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो बना हुआ प्रिज्म बना हुआ है बंधु, लेकिन यहाँ प्रिज्म में देख रहे हैं इसका शीर्ष का भी जो आधार है बंधु वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार यानी अनुप्रस्थ काट में बंधु, और ये भी हमारा त्रिभुजाकार है। तो बंधु यहाँ पे जो प्रिज्म का आधार है वो त्रिभुजाकार है, यहाँ भी देख रहे हैं आधार त्रिभुजाकार है, शीर्ष के साथ इनका भी त्रिभुजाकार है, और बेलन में बंधु हमारा वृत्ताकार होता है। तो प्रिज्म में आखिर ऐसा क्यों होता है बंधु, बता दें कि प्रिज्म का आधार किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे में कि वर्गाकार बंधु, आयताकार, समलंब चतुर्भुजाकार का, सम चतुर्भुजाकार के, समांतर चतुर्भुज में, सम त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, किसी भी आकार में बंधु इसका आधार होगा। इसमें आधार जो होगा वही इसका शीर्ष होगा, ये भी फिक्स है, लेकिन इसमें सिर्फ वृत्ताकार आधार और शीर्ष होता है बंधु। यहाँ पे हमारा किसी भी आकार में होगा, जो हमने जैसे कि त्रिभुजाकार यानी सम त्रिभुज, वर्गाकार, आपका आयताकार, समकोण त्रिभुज में, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो बताए उस आकार में होगा। तो इनसे ऐसा तुलना क्यों कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा बंधु। जब हम इनका लेते हैं तो वृत्ताकार लेते हैं, यहाँ पे हम आधार लेंगे, जो भी आकार में आएगा वही से लेंगे। तो हमारा कहना था कि इसमें हमको चाहिए था कि हम प्रिज्म का आयतन, देखिएगा प्रिज्म का आयतन चाहिए था बंधु। अगर प्रिज्म का आयतन जैसे है तो हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे, नहीं पता है फॉर्मूला। तो बंधु हमने बताया किससे तुलना करना, बेलन से। बेलन एज जैसा व्यवहार करेगा ऐसे प्रिज्म का भी करवा देंगे। तो बंधु यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे बेलन का आयतन। तो बंधु बेलन का आयतन हर कोई जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसका जानते हैं पायर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। तो बंधु पायर स्क्वायर एच आखिर कहाँ से आया, क्यों आया, ये भी तो जानना है। तो बंधु पायर स्क्वायर का मतलब होता है देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, और एच का मतलब ऊंचाई। तो वृत्त हमारा क्या है बंधु, आधार है। तो यहाँ पे लिखते हैं ना, इसको कह तो ये भी सकते हैं आधार का क्षेत्रफल अगर उनके ऊंचाई के साथ गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, बेलन हो जाएंगे, बेलन का आयतन हो जाएंगे। तो बंधु पायर स्क्वायर का सूचित करना यानी आधार का क्षेत्रफल किन के साथ गुना होना, ऊंचाई के साथ, तो क्या हो गया बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कहेंगे पायर स्क्वायर है, और हम कहेंगे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो उसी के सहारे बंधु यहां आएंगे। देखिएगा जिस प्रकार बेलन में बंधु फिक्स होता है कि आधार जो है वृत्ताकार होता है, तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं, लेकिन प्रिज्म में आधार किसी भी आकार का होगा, तो बंधु किसी भी आकार के आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या बंधु, आधार का क्षेत्रफल, देखिएगा याद हो गया बंधु आप सबको क्षेत्रफल, यहाँ पे गुना ऊंचाई है, तो बंधु यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे ऊंचाई हो जाएंगे। क्लियर है? यानी कह सकते हैं हम प्रिज्म का आयतन जो हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ वो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार चाहे किसी भी आकार में क्यों ना हो उसका क्षेत्रफल और रख के उनके गुना ऊंचाई से कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं बंधु जो हमारा सवाल है, इसमें 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के अनुप्रस्थ काट है, यानी उसका जो आधार है बंधु वो त्रिभुजाकार है, और तीनों भुजा अलग अलग है, इसका मतलब वो विषमबाहु त्रिभुज के आधार है। तो बंधु एक हमारा क्या दिया हुआ है, देखिएगा 5 दिया हुआ है, एक हमारा कितना है 10 है, और एक हमारा कितना बंधु 13 है। तो इनके आधार का क्षेत्रफल हम कहां से निकालेंगे बंधु, तो ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं मेरे मित्र बंधु विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सब कोई जानते हैं हीरोन के सूत्र से, s इंटू एस माइनस ए बंधु,
एस माइनस बी और एस माइनस सी। और आप ये भी जानते हैं बंधु, जहां आपका क्या होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटी टू, यानी कि एस हमारा यहाँ क्या हो जाता है बंधु, अर्ध परिमाप हो जाता है, अर्ध परिमिति हो जाता है। तो बंधु यहाँ एस का मान निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पाँच और दस हो गया पंद्रह, पंद्रह तेरह बंधु अट्ठाईस, अट्ठाईस बटी टू बराबर कितना बंधु, चौदह। यानी जो हमारा अर्ध परिमाप हुआ एस जो आया बंधु कितना आया, चौदह आया। अब इनका क्षेत्रफल हम रख सकते हैं, देखिएगा इनका क्षेत्रफल रखेंगे बंधु, एकदम ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल आप कैसे इसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बंधु रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, तो एस के जगह बंधु कितना निकाले हैं, हम चौदह निकाले हैं, एकदम सब कोई ध्यान दीजिएगा। उनके बंधु एस माइनस ए चौदह में पाँच घटाएंगे बंधु नौ, क्योंकि ये का मान पाँच है। अगर बंधु चौदह चौदह में बी घटाएंगे बंधु तो दस, तो कितना होगा चार होगा बंधु। अब देखिए चौदह में बंधु तेरह घटाएंगे तो कितना होगा, एक होगा। एकदम समझ गए बंधु कि जो क्षेत्रफल होगा चौदह गुना नौ गुना चार गुना एक। अब इनको देखिए आप हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। देखिएगा चौदह का एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे नौ का बंधु तीन, चार का कितना दो, और इसको अंडर रूट चौदह रहने दिए बंधु, तो तीन दुनी छह रूट कितना हो गया बंधु, चौदह हो गया। यानी अभी तक आपने जो निकाले बंधु विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल निकाले सिक्स रूट चौदह सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सिक्स रूट फोर्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बंधु, आपने यहाँ निकाल लिया आधार का क्षेत्रफल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु हम प्रिज्म का आयतन निकालने की बात कर रहे हैं, तो प्रिज्म का आयतन निकाले आधार का क्षेत्रफल तो सिक्स रूट कितना फोर्टीन, और ऊंचाई बंधु कह रहा तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है दस सेंटीमीटर। देख रहे हैं बंधु आप सब, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हल करेंगे, दक्षक साठ कितना हो जाएंगे, साठ रूट फोर्टीन हो जाएंगे, नहीं चौदह हो जाएंगे। तो बंधु यहाँ पे कह रहा लगभग में चाहिए, तो ऐसा भी है कि रूट में आ रहा है तो लगभग में ही निकलेंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट में हमारा आ सकता है उनके लगभग, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब आगे देखिएगा बंधु ये साठ हो गया, अगर आपको देखिए चौदह का वर्गमूल आप जानते हैं तो चौदह का वर्गमूल लिख सकते हैं बंधु 3.742। आप निकालने के तरीकों को जान रहे होंगे तो आप निकाल लेंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा बंधु, हम बता देंगे फिर कब नेक्स्ट वीडियो में आपको। अगर बंधु अब इनको गुना करेंगे तो हो जाएंगे 224.52, यानी बंधु इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। यानी जो हमारा प्रिज्म का आयतन निकला बंधु 224.52 सेंटीमीटर क्यूब निकला, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। तो हमारा कह रहा है कि वजन चाहिए प्रिज्म का, तो यहाँ पे दिया है एक घन से घन सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7 ग्राम, यानी कहने का मतलब बंधु एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 7 ग्राम है। हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब है बंधु, इतना है, तो हमारा वजन हो जाएंगे बंधु, क्लियर है, 224.52 गुना 7। अब बंधु इसको हल गुना करेंगे, इनको हल करेंगे, हो जाएंगे 1571.64। तो देखिए बंधु हमारा जो आंसर होगा इतना ग्राम होगा 1571.64, और आपके ऑप्शन में बंधु दिया है 1570.8, 1371.32, 1470.8, 1100.68 दिया हुआ है। तो बंधु 1571 तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन कह रहा है कि लगभग, तो 1570 बंधु इसके लगभग है, तो आप आंसर क्या मार देंगे, 1570 मार देंगे। और ऐसे भी आपके एग्जाम में अगर इतना दिया रहेगा तो बंधु इतना ही मारेंगे, लेकिन लगभग में मांग रहा था तो हम लगभग एक नंबर मार देंगे। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। देखिए प्रिज्म बंधु किसी भी टाइप का प्रिज्म कोई भी आधार लेकर के अगर मांगे आप सीधा ध्यान रखिएगा कि सर जी हमको बताए थे कि बेलन का तुलना प्रिज्म कर लेंगे, बेलन का अगर याद रख गया तो हम इसका प्रिज्म का निकाल लेंगे। क्लियर है बंधु, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है उसी पे आधारित प्रश्न है, और इसको देखिएगा आप किस प्रकार से बनाते हैं बंधु। सवाल है एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, यदि प्रिज्म का आयतन 108√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई है पहला 9 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 11 सेंटीमीटर, चौथा 12 सेंटीमीटर। बंधु अभी देखिएगा हमसे यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है और प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, तो बंधु प्रिज्म का जो आयतन है वो हमारा कितना दिया हुआ है, इसको आप लिख दिए 108√3 सेंटीमीटर क्यूब। बंधु अगर मान लीजिए हम जस्ट अभी पढ़ाए तो सबको पता होगा कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देंगे तो प्रिज्म का आयतन हो जाएगा,
मान लीजिए बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, तो आप वहां पे कैसे करेंगे? तो मन की गति से आप सोचिएगा बंधु कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सर जी बताए थे कि पाई आर स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि उसका आधार वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे जो बंधु आधार का क्षेत्रफल गुना क्या कर देंगे, ऊंचाई। तो एक जगह हम आसानी से लिख देंगे बंधु आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई एच, यानी कि प्रिज्म का आयतन ये होता है, और दिया कितना बंधु 108√3। अब एक चीज इसमें देखिएगा कि जो आपका आधार है बंधु वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं बंधु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना यानी आधार का क्षेत्रफल निकालने के बराबर है। तो आधार का क्षेत्रफल बंधु क्या होगा, तो आप फट से कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज है इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और गुना ऊंचाई एच निकालना है हमको, और 108√3 इधर आयतन दिया हुआ है। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा √3 ऐसे कटा दीजिए बंधु, 1/4 यानी 1/4 और गुना ए स्क्वायर बंधु, यहाँ पे भुजा दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 × 6 लिख दीजिए, फिर एच लिखिए, फिर 108 कर दीजिए बंधु। अब देखिएगा इसको आपने कटा सकते बंधु, कटा दीजिए 6 × 6 बचा बंधु कितना 4 × 48 8 × 6 = 48 बंधु 6 × 3 = 18 एच बराबर बंधु 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर, यानी जो प्रिज्म की ऊंचाई होंगे बंधु वो कितने होंगे 12 सेंटीमीटर होंगे। अब बंधु इस तरह के प्रश्न से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला भी प्रश्न पूछा गया और ये डिस्काउंट और लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्न है बंधु, तो देखिए इसको आप किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार से समझते हैं ध्यान दीजिएगा। कहता है सवाल बंधु, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल ₹286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो बंधु इसी प्रकार के प्रश्न अभी आपने पढ़े थे और यहाँ पे भी उसी प्रकार प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे अंकित मूल रुपया में दे दिया, तो सोचे कि थोड़ा सा भाषा है तो इनको हम बता दें जिससे कि आप आसानी से बना सके। तो बंधु ध्यान दीजिएगा कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल 30% बढ़ा दिया, इसका मतलब है बंधु लागत मूल हमारा कितना था 100 था, और 30% बढ़ा दिया बंधु और अंकित मूल इतना तय कर दिया, इसका मतलब बंधु है बढ़ा करके जो तय किया तो क्या किया अंकित मूल तय किया बंधु कितना 30% बढ़ा दिया तो 130, और यही 130 जैसे बंधु हुआ तो अंकित मूल उसके लिए कितना तय कर दिया 286 बंधु यहाँ पे रख दी। क्लियर है कि 286 अंकित मूल तय किया और कहता है कि लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, इसका मतलब लागत मूल्य 100 तो अंकित मूल कितना बंधु 130, और जैसे 130 हुआ तो उसको अंकित कितना कर दिया बंधु ₹286 कर दिया। भाषा क्लियर हो गया बंधु। आगे कहता है परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, बंधु जब बिक्री करेगा यानी बेचेगा यानी सेलिंग करेगा बंधु उसने कितना का छूट दी 10% का छूट दी, अगर बंधु 10% का छूट दी तो कितना बेचा 90 में, तो 130 का कितना बंधु 90/100। क्लियर हो गया बंधु। अब यहाँ पे देख लीजिए आप 00 कैंसिल, तो बंधु 13×17 = 117 यानी कितना में बेचेंगे बंधु 117, और आपका लागत कितना पड़ा बंधु 100, तो 100 से 117 जो है कितना अधिक है बंधु 17 अधिक है, इसलिए कितना परसेंट का लाभ हो जाएंगे 17% का बंधु लाभ हो जाएंगे। क्लियर हो गया, 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट का लाभ होगा, तो ये 17 अधिक है इसलिए 17% का लाभ है, पहला नंबर ऑप्शन में हो गया बंधु। आपको लग रहा होगा, बहुत भाई बंधु बहनों को लगता होगा कि सर 286 क्यों छोड़ दिए आप, 286 का जिक्र क्यों नहीं किए बंधु, 286 को भी लेकर के हम बनाएंगे तो भी आंसर उतना आएगा, अगर इसको हम 100 पर भी लेकर के बनाएंगे तो भी आंसर मेरा उतना आएगा। तो देखिए 286 का प्रयोग करके बंधु हम बता देते हैं, समझिएगा। अगर बंधु हमारा दिखेगा यहाँ लागत है,
लागत मूल हम मान लीजिए बंधु कितना हमारे पास है 100 अभी ऐसे सपोज है। कहता बंधु अंकित मूल जो हमने 30% यानी लागत मूल से हम जो बढ़ा दिए 30% बढ़ा दिए। अगर लागत मूल बंधु 30% बढ़ा दिए तो अंकित मूल हमारा कितना हो गया 130 हो गया। और यही बंधु 130 बराबर ध्यान दीजिएगा कितना अंकित किए बंधु 286 कितना तय कर दिए 286 तो 286 क्लियर है बंधु। हमको चाहिए 100 की लागत हमारा आखिर कितना पड़ा है तो बंधु 100 बराबर 286 बटे 130 गुना 100 बंधु ये कटा देंगे 0 0 13 दुना 26 फिर 2 13 दुना 26 यानी 220 यानी जो लागत पड़ा बंधु कितना पड़ा 220 यानी हमारा जो खरीद पड़ा है 220 पड़ा है। लेकिन बंधु आगे चल के क्या कहता है कि परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी तो बंधु अंकित मूल 100 की ये हम कितना 286 देखिए हम 286 पर बना रहे बंधु 286 अगर अंकित मूल बंधु हमने 100 किए हैं कितना 286 रुपया और इन पे हम कह देंगे बंधु 10% की छूट पे बेच रहे तो कितना हम बेचेंगे ध्यान दीजिएगा 286 का 90/100 00 बंधु कैंसिल। अब देखिएगा 9 6 54 4 5 बचा बंधु 9 8 72 5 हो गया कितना बंधु 77 फिर बचा कितना 7 और 9 2 18 7 बंधु 25 यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए 257 पॉइंट कितना बंधु 4 यानी अब देखिए जो बेचे हैं किसी ग्राहक को किसी कोई खरीदार आया उसको बेचे 257.4 में बेचे बंधु और हमारा जो ध्यान देना है हमारा जो लागत मूल पड़ा है बंधु 220 तो कितना का लाभ हुआ तो प्रॉफिट निकालिएगा तो 220.0 घटा दीजिए बंधु इधर आ जाएंगे 4 एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है अपना सवाल है बंधु आसान से बना सकते हैं ये आएंगे 7 5 में 2 गया बंधु 3 ये क्लियर यानी कि जो प्रॉफिट हुआ बंधु 37% क्या हुआ बंधु 4 हुआ तो प्रॉफिट परसेंट आप जानते हैं बंधु प्रॉफिट 37.4 गुना 100 बटे सीपी करें मूल तो कितना बंधु 220 है ये पॉइंट को हटा दीजिएगा बंधु 10 हो जाएंगे 00 इसका कैंसिल हो जाएंगे और आप जानते हैं बंधु कटेगा दिखेगा 11 से कटाएंगे 11 दूनी 12 और 4 3 7 अगर बीच वाला युग पूरे तो 11 से कटेंगे तो बंधु कितना हो जाएंगे 34 हो जाएंगे 17 2 34 कितना परसेंट का लाभ हुआ 17% का लाभ हुआ क्लियर हो गया बंधु। आप इधर से भी बनाएंगे आपका सवाल बनेगा कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं होगा कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे हमने 100 पे बना दिया डायरेक्ट बन गया अंकित मूल का प्रयोग करके बना सकते हैं या नहीं भी करके बना सकते इसमें कोई परेशानी नहीं होगा तो बंधु आप सब समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बंधु जो अगला प्रश्न है बहुत ही सुंदर है और ये टाइम एंड डिस्टेंस है और ये भी पूछा गया प्रश्न है बंधु पिछले साल पूछा गया था SSC GD में। तो देखिए आप इसको किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार इसके बारे में सोचते हैं अगर भाषा समझ गए मित्र बंधु तो सवाल बहुत ही आसान है। भाषा समझ में नहीं आया तो लग रहा होगा सवाल कितना भारी है तो पढ़ते हैं भाषा कहता क्या है। कहता है बंधु एक छात्र अपने घर से 2.1/2 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है यानी लेट से पहुंचता है। अगले दिन वो उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल उसके घर के बीच कितनी दूरी है तो हमारे पास बंधु कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन है तो कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो बंधु एक चीज समझिएगा एक चीज जानना है अगर एक चीज समझ गए तो समझिए ये सवाल बन गया। बंधु समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है उनका स्पीड। एक चीज ध्यान दीजिएगा अगर बंधु समय अधिक लगेगा तो इसका मतलब है कि चाल कम है। अगर चाल बंधु अधिक है तो समय निश्चित कम लगेगा यानी एक दूसरे के ये इनवर्स पूरक होता है यानी इनके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसी में बंधु एक कॉन्स्टेंट होता है जो कि बराबर का काम करते हैं D/S होता है यानी S बराबर लिखते हैं तो D/ क्या होता है बंधु T होता है यानी चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है समय होता है। डी हमारा क्या हो जाता है बंधु कॉन्स्टेंट हो जाता है जो दूरी तय करना होता है वही दूरी हम तय करते हैं। यदि हमारा समय अधिक लग रहा है तो निश्चित है कि मेरा चाल कम होगा और चाल बंधु अधिक है तो ज़्यादा तेजी से अगर हम चल रहे हैं तो समय बहुत ही कम लगेगा यानी कह सकते हैं
चाल का व्युत्क्रमानुपाती समय होता है और समय का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा इनवर्स चाल होता है और डी क्या होता है बंधु, कांस्टेंट होता है जो दूरी होता है। तो देखिए सवाल जो कह रहा है इसी पे लेके बनाते हैं बंधु। एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर, देखिएगा बंधु 2 पूर्णांक 1/2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गति से यानी अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता बंधु। जब वो घर से चलता है, यहाँ से चलता है, कहीं उसका स्कूल होगा बंधु, अगर इस चाल से वो चलता है तो 6 मिनट उसको क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, देरी हो जाता है बंधु। अगले दिन सोचता है बंधु, ये क्या सोचता है कि घर से जाना है, अगर जिस समय में अगर ये 9 बजे चला हो तो उसी दिन फिर 9 बजे ये चलने के लिए जाता है बंधु। कहता अगले दिन वह उसी समय यानी ये 8 बजे चल रहा हो तो ये भी 8 बजे चलेगा, अगर ये 10 बजे चला तो ये भी 10 बजे चलेगा, यानी उसी समय कहता घर से चलता है। कहाँ से चलता है, घर से। तो बंधु दूरी तो स्कूल का वही होगा अगर उसी समय चलता है। सोचा कि भैया हम इतने चाल से अगर चले थे तो 6 मिनट हमारा क्या हो गया, लेट हो गया। उसने बेचारे क्या किए, 1 किलोमीटर पर घंटा उसने बढ़ा दिया चाल। तो बढ़ा दिया बंधु, इसका मतलब है 2 × 4 = 5/2 में 1 किलोमीटर पर घंटा उसने बढ़ा दिया। तो उनको देखने में लग गया बंधु यहाँ पे क्या कि वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है यानी बिफोर पहुंच जाता है बंधु। अब देखिएगा इस चाल से जाता है बंधु, 6 मिनट का लेट हो रहा है, अगर इस चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो बंधु आखिर कहता है कि घर से स्कूल के जो बीच की दूरी है वो क्या है। तो हमने एक चीज बताया बंधु कि समय को अगर इन्वर्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा समय का जो व्युत्क्रमानुपात है उसका इन्वर्स होता है उसके चाल के होते हैं। तो बंधु हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाल को अगर इन्वर्स कर देंगे, डी हमारा कॉन्स्टेंट है तो हमारा दूरी निकल जाएगा। तो देखिएगा कैसे आप करते हैं। तो बंधु इसको हम सबसे पहले पूर्णांक को कन्वर्ट तोड़ देते हैं, इसमें 2 × 4 = 5/2। अगर बंधु हमारा 5/2 किलोमीटर पर घंटा की चाल है, इसको अगर इन्वर्स कर दे बंधु, क्योंकि हम चाल को समय के साथ डायरेक्ट ले नहीं सकते हैं, जब तक इसको हम चाल को समय में ना बदल दें तो समय टू समय आसानी से ले लेंगे, क्लियर है। अब देखिएगा अगर मान लीजिए 5/2 किलोमीटर पर घंटा चाल है बंधु, इसका इन्वर्स करेंगे क्या होगा, 2/5 होगा, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब इनको थोड़ा हल कर लीजिए आप, इनको हल करना बहुत जरूरी है। देखिएगा हो जाएंगे 5 × 2 = 2, 5 × 2 = 2 यानी 2, यानी इसको हल करेंगे बंधु तो हो जाएंगे कितना, 7/2। अब बंधु इनको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारा, 2/7 हो जाएगा, क्लियर है बंधु। यही दोनों को हम इन्वर्स कर दे यानी कि हमारा जो चाल था उसको समय में कन्वर्ट कर दिए तो 2/5 हो गया, और जो हमारा 7/2 चाल था इसको अगर कन्वर्ट कर दिए हम समय में तो 2/7 हो गया। यही दोनों का अंतर बंधु, ये 6 मिनट लेट और 6 मिनट बिफोर हो रहा है, तो ये दोनों जो हमारा चलेगा 6 मिनट लेट, 6 जुटेगा 6 मिनट बिफोर, दोनों बंधु 6 6 12 और मिनट है, तो हम यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में देख रहे हैं, घंटा में आ जाएगा बंधु, इसीलिए मिनट को हम 60 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इनको हल कर लेते हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 और 5 × 2 = 10, और इसको हल कर लीजिए बंधु, 6 × 6 = 12 कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब देखिएगा 14 में 10 गया कितना बंधु, 4 × 4 = 35 बराबर 12 × 5 = 60 यानी 1/5, क्लियर है बंधु। ध्यान दीजिएगा 7 × 5 = 35 कटा दिए तो 4 बराबर बंधु कितना हो गया, 7, और हमारा क्या निकालना, 1, क्योंकि बंधु हमने जब भी उसको निकालते हैं उनके व्युत्क्रमानुपाती 1 का मान निकालेंगे दूरी निकल जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएंगे बंधु 7/4 यानी 4 × 4 = 1/3/4 यानी कि किलोमीटर दूरी हो जाएंगे। तो बंधु आप समझ गए जो इनका आंसर जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, 3रा नंबर पे है, क्लियर है। अब एक चीज फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस भाई बंधु को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ वो समझने का प्रयास कीजिएगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया जो बना दिए। बंधु देखिएगा अगर इस किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाते हैं तो इतना लेट होता है और इसमें 1 बढ़ा देते हैं चाल तो हमारा इतना चाल हो जाता है, तो इससे जाते हैं 6 मिनट पहले पहुंचते हैं। इसका मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बीच में अगर हम ये न्यूट्रल मानते उदासीन मानते हैं तो 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद होगा, तो दोनों का
अंतर कितना 12 मिनट। तो ये 12 मिनट का अंतर बंधु कब हो रहा है, जब आपका देखिएगा ये चाल और ये चाल हो रहा है, तो हम चाल को समय के साथ डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो चाल को अगर इन्वर्स करते हैं समय मिलता है, क्लियर है, समय को करते चाल होता है। तो बंधु हम ये चाल को बदल दिए तो समय में आ जाएगा, देखिए 2/5, इसको बदल दिए 2/7, यही दोनों समय का अंतर 12 मिनट, इसलिए बंधु हम एक बराबर निकाल लेके आगे 1/3/4 किलोमीटर दूरी हो गया, कहां से, स्कूल से घर तक। क्लियर हो गया बंधु, आप सब बिल्कुल समझ गए। अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा जरूर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला सवाल सेम लाए हैं, अगर पिछले प्रश्न में किसी प्रकार से कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई असुविधा हुआ होगा तो ये प्रश्न में होगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, सवाल क्या कहता है, 5 किलोमीटर/घंटा की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 6 किलोमीटर/घंटा की गति से चले तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी कितनी है। तो बंधु प्रश्न एकदम सेम है जैसा कि आपने पिछला प्रश्न बनाया, और पिछले प्रश्न में आपने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा, इसको आपने देखे बंधु कि समय को इन्वर्स करेंगे तो चाल मिलेगा, चाल को इन्वर्स करेंगे समय मिलेगा, क्लियर है। तो उसी फंडे पर बंधु बना देना है इसको। तो देखिएगा 5 किलोमीटर/घंटे की चाल से अगर चलते हैं बंधु गति से, एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचते, कहीं बंधु यहाँ घर से चला यहाँ कार्यालय पहुंचा, लेकिन वो 6 मिनट देरी से, यानी 6 मिनट लेट से, समझ बंधु लेट से पहुंचा। आगे चल के कहता है यदि वो 6 किलोमीटर/घंटा की गति से चले, अगर वो 6 किलोमीटर/घंटा की गति से चले तो बंधु कहता है 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 2 मिनट बिफोर पहुंच जाता है, बंधु पहले पहुंच जाता है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी कितनी है, तो बंधु यही दोनों के चाल का अंतर इतने मिनट का अंतर कर देता है, तो चाल को डायरेक्ट समय से नहीं ले सकते हैं। तो अभी अभी हमने बताए कि चाल को अगर इन्वर्स करेंगे समय मिलेगा तो 1/5, बंधु इसको इन्वर्स करेंगे तो 1/6, यही दोनों समय का अंतर बंधु 6 मिनट लेट और 2 मिनट बिफोर, तो दोनों जुटेगा बंधु, कैसे जुटेगा ये ध्यान रखिएगा। अगर बीच में मान लीजिए उदासीन है 0 है, 6 मिनट इधर पहले 2 मिनट लेट हो रहा, तो दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 6 × 2 = 8 मिनट, तो 8 मिनट है, बटे कर देंगे 60 से बंधु, क्योंकि हमको घंटा में चाहिए आंसर। अब देखिएगा इसको अगर एलसीएम लेंगे 30 × 6 = 6 × 5 = 5 एकदम, देखिए 6 × 2 = 8, 8 / कितना बंधु 60, अब हल करना है तो देखिए यानी 6 × 5 का 1/30 = 8/60, 30 × 60 = 4 × 8 1 = कितना बंधु 4 किलोमीटर, यानी कि घर से यानी कार्यालय की जो दूरी होंगे वो कितने किलोमीटर होंगे, 4 किलोमीटर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। तो बंधु क्लियर हो गया, आप जब कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, इसके बेसिक को समझ जाइएगा, तो कोई भी सवाल आपका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो बंधु आप सब तो आप समझ गए, तो चलिए आज का क्लास जो बंधु है यहीं पे समाप्त करते हैं। जो जो भाई बंधु बहन हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और लाइक नहीं किए हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो सबसे पहले बंधु लाइक का ही बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे और आपके बीच एक गहरा रिलेशन बन जाएगा, और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो आपके लिए लाएंगे बंधु, और मजा भी आएगा। तो सबसे पहले जाइए आप सब लाइक कर दीजिए, और हमारा आज का क्लास कैसा लगा बंधु, और कमेंट जरूर कर दीजिए आप, और आप कमेंट करते हैं, आपके कमेंट को देख करके हमारे अंदर एक एनर्जी मिलता है बंधु, फिर नेक्स्ट वीडियो मजे से लाते हैं, तो आप जाकर के कमेंट करिए और फीडबैक दीजिए। तो चलिए बंधु आप सबों को एक बार अनिमेष क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।